की लहर में मैं हूं आपके साथ मास्टर मोहम्मद यूनस म्यो। हमारे चैनल लाजमी देखो, लाइक करो, बेल बटन दबाओ और सब्सक्राइब लाजमी करो। हम लांगा त्यौहार मारे मेवाती तारीखी और दिलचस्प वीडियोस। खानजादा हसन खान मेवाती, बाप को नाम अलवल खान मेवाती, यू नेहरू खान राजा की औलाद में सुबो या खानदान ने 200 साल तक मेवात पे हुकूमत करी। कद काठ हसन खान मेवाती को कद 6.5 फुट से ज्यादा हो, चेहरो मोहरो वाको रंग सफेद गंदमी हो, साफ सुथरी वजाहत, हर हुयो जिसम, बड़ी बड़ी मूछ और दरमियानी दाढ़ी, रोबदार भारी आवाज, बात करने में पूरो एतमाद, रोबदार और मूछदार आवाज, वैसे अमन पसंद और सुलह पसंद, कभी अपना हमसाया तंग ना कर, झूठ और जुल्म से नफरत, ताकतवर जिसम, गोत दहंगल में हो, बहादुरी दलियर ऐसो कि 500 माहिर सिपाहीन पे भारी पड़ जावे हो, एक बार एक शेर से मुकाबला हो, तलवार एक घालू फेंक दी और खाली हाथ शेर से मुकाबला हो और नाहर मार गिराए। हसन खां की तलवार अलवर का किला में मौजूद रही, जाकी लंबाई तकरीबन 4 फुट ही। हसन खां की जिरा भी किला अलवर का म्यूजियम में धरी ही, जो कि तकरीबन 6 कर दियो। लेकिन राजा संग्राम सिंह की बातन में आके हसन खां मेवाती ने ना तो बाबर को साथ दियो और ना ही इब्राहिम लोधी को साथ दियो। बाबर ने इब्राहिम लोधी पानीपत की पहली लड़ाई में हरा दियो, कत्ल भी कर दियो। फिर वाने यानी कि बाबर ने इन दोनों में ही ध्यान दियो और बाबर ने हसन खां को बेटो धोखा सु पकड़ के कैद कर दियो। हसन खां बड़ो परेशान हुयो। हसन खां ने एक तरकीब सोची और हसन खां ने बाबर की बीवी अपनी बहन बना ली और वाह का सिर पर दुपट्टो उड़ा के मुंह बोली बहन बना ली। बाबर की बीवी ने सिफारिश करके हसन खां को बेटो छुड़वा दियो कि ई मेरो भतीजो है, बाबर यह छोड़ दे। बाद में बाबर ने तख्त बाबरी में लिखो कि यूँ मेरी जिंदगी की बड़ी गलती में सो एक बड़ी गलती ही। फिर जब बाबर और संग्राम सिंह जख्मी होगो और संग्राम सिंह को एक हाथ भी कट गो और आंख भी काणी होगी, लिहाजा मैदान जंग सु निकल गो। संग्राम सिंह की फौज पतो चलो तो हिम्मत हारगी और आधी सु ज्यादा फौज मैदान छोड़गी, क्योंकि उन दिन में अगर कई फौज को झंडो गिर जावे हो और कोई राजा या बादशाह जंग में मारो जावे हो तो फौज अपनी हार मान लेगी। इन हालात में हसन खां ने फौज की कमान संभाली और बड़ी समझदारी से तकरीर करी और सारी फौज इकट्ठी करी और फौज लू हौसलो दियो। बाबर की बीवी जो के हसन खां की मुंह बोली बहन ही, हालात को पूरो जायज़ो ले रही ही। वह ने बाबर सु मिन्नत तलरो करो और वह सु कहलवायो कि हसन खां जंग बंद कर दे, हम तोलू बहुत बड़ी सल्तनत अता कर देंगा। तारीख बतावे है कि हसन खां लू 7 पैगाम भेजा गया, लेकिन हसन खां ने कही कि मैंने आज अगर हथियार डाल दिया तो तारीख में ये एक लालची, डरपोक और धोखेबाज कहलाऊंगा। जिल्लत की जिंदगी सु इज्जत की मौत अच्छी, जैसे टीपू सुल्तान ने कही ही ने कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी सु अच्छी है। ये ऐसे ही हसन खां ने कही कि जिल्लत की जिंदगी सु इज्जत की मौत अच्छी, और तारीख गवाह है कि संग्राम सिंह की 80% फौज मैदान छोड़ के भाग गई, जबकि हसन खां
समेत मेवन की 12,000 फौज खानवा का मैदान में बहादुरी से लड़ती हुई शहीद होगी। भाइयों, ये रहा बहादुरी और जुरत का मैदान कि हसन खां अपनी 12,000 फौज के साथ शहीद होगो और मेवन को एक भी सिपाही मैदान छोड़ के ना भगो और सारा का सारा 12 का 12,000 फौजी और हसन खां हून शहीद होगा। हसन खां मेवाती 17 मार्च 1527 लू बहादुरी से लड़तो हुए शहीद होगो और या कि यू मौत की तारीख विकिपीडिया के मुताबिक है। तारीख बतावे है कि हसन खां की शहादत पे बाबर की बीवी ये बड़ो अफसोस होयो। हसन खां की शहादत के बाद वाला किलो बर्बाद होगो और मेवन की हुकूमत हमेशा के लिए ख़त्म होगी। लेकिन इन सब नुकसानात को हसन खां पहले पतो हो कि बाबर से जंग लड़ रहा हूँ और शहीद हो जाऊँगा और 12 की 12,000 फौज भी मारी जाएगी और मेरी सल्तनत भी मेर पे सू हमेशा के लिए मेवन पे सू।